और बड़ी खबर यह भी कि यूक्रेनी सेना पर लगा है मारियोपोल में बमबारी का आरोप। यूक्रेनी सेना ने मारियोपोल के पुलिस स्टेशन पर हमला किया है और यह आरोप लगाया रूस ने। यूक्रेनी हमले में मारियोपोल का पुलिस स्टेशन तबाह हो चुका है। यूक्रेनी सेना के हमले में सब कुछ तबाह हुआ, यह कहना है रूस का। रूस जो लगातार मारियोपोल में हमले कर रहा है और उसके बाद मारियोपोल की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। कर्नल सिंह, लगातार शहर दर शहर हम देख रहे हैं, युद्ध का 54वां दिन है। अब ये बताइए कि अगर पुतिन अपनी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो 54वें दिन के बाद अब पुतिन आगे क्या करेंगे, क्योंकि शहर तो बर्बाद हो रहे हैं लेकिन जो कब्जा करना था वो कब्जा अभी तक कर नहीं पाए, सिर्फ शहरों को तहस नहस किया है पुतिन की आर्मी ने। मुझे अगर आप 10 सेकंड दें तो अभी अभी हमने कवर किया कि पुलिस स्टेशन तबाह हुआ है, वो खारकीव में पुलिस हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय हो गया। भाई पुलिस स्टेशन के लिए क्या आप काउंटिंग कर रहे हैं? यू थिंक कि पुतिन का एम पुलिस स्टेशन है? देन आई थिंक यूक्रेन और उसके सारे जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो बिल्कुल गलत चल रहे हैं। सिंह साहब, यहां पर तो ये आरोप लगा रहा है रशिया कि यूक्रेनियन सैनिकों ने मारियोपोल पर हमला कर दिया, तो मारियोपोल को तबाह करने का काम यूक्रेन के सैनिक क्यों करेंगे, ये समझाइए जरा। तबाह नहीं करेंगे वो, देखिए हो क्या रहा है। जैसे जब हम पुलिस स्टेशन की बात करते हैं या किसी भी बिल्डिंग की बात करते हैं, रशिया के लिए टारगेट क्या है? कहीं से उनके ऊपर अगर फायर आ रहा है तो वो टारगेट है। अब आप सिविल लोकेलिटी में जाकर फायर करेंगे मेरे ऊपर तो आप मेरे लिए टारगेट है। आपको मैं डिस्ट्रॉय करूंगा ही करूंगा, मेरा एयरक्राफ्ट, मेरी हेलीकॉप्टर, मेरी मिसाइल वहां आएगी ही आएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।